हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एक स्पेशल आलू की सब्जी। आलू की सब्जी तो हर एक घर में बनती है, बट जब कुछ स्पेशल बनाने का मन होता है तो आप ये सब्जी ट्राई कर सकते हैं। ये सब्जी बहुत ही कम टाइम में बन खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। ये रेसिपी बहुत ही ईजी है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। इसमें एक ट्विस्ट है, मैं यहाँ पे सब्जी मसाला नहीं बल्कि पाव भाजी मसाला यूज़ करूँगी और मिल्क यूज़ करूँगी। सो लेट्स स्टार्ट द मेथड। पहले हम इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। एक पैन लें, उसमें डालें ऑयल, जब ऑयल हल्का गर्म हो जाए ऐड करें जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, आप चाहे तो यहाँ पे मिर्च भी डाल सकते हैं, मैंने मिर्च का यूज़ नहीं किया है। इसे हल्का सॉटे करने के बाद ऐड करें चॉप्ड अनियन, मैंने दो मीडियम अनियन को चॉप कर दिया है। अनियन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक यह लाइट गोल्डन कलर का ना हो जाए। अनियन हमारा लगभग सॉटे हो चुका है। अब इसमें हम एक बड़ा टमाटर चॉप किया हुआ डालेंगे और इसे भी अनियन के साथ ही सॉटे करेंगे। फ्लेम आप मीडियम में रख सकते हैं। हमें थोड़ा टमाटर को मैश करते हुए फ्राई करना है। नाउ ऐड हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर की क्वांटिटी थोड़ी सी ज्यादा रहेगी। कश्मीरी लाल मिर्च, इसे भी सॉटे करें। हल्दी हम इसलिए इसमें ज़्यादा ऐड करेंगे क्योंकि दूध डालने के बाद कलर थोड़ा कम हो जाता है। अब इसमें मैंने बॉइल्ड आलू डाला है। आलू को मैंने बड़े बड़े फाक में काट लिया है, इसे भी सॉटे करेंगे। सारे मसाले जब अच्छे से मिक्स हो जाए इसमें ऐड करें सॉल्ट, और इसे अच्छे से मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करें। फिर डालेंगे पाव भाजी मसाला। पाव भाजी मसाला लगभग 2 छोटे चम्मच इसमें पड़ जाएगा। अब इसे भी हम अच्छे से सॉटे कर लेंगे। नाउ ऐड 1 टेबलस्पून वाटर। वाटर हम इसलिए ऐड कर रहे हैं ताकि सारे मसाले अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध मैंने 1/2 कप यूज़ किया है। ये बहुत ज़्यादा ग्रेवी नहीं रहेगा इसमें और ना ही बहुत सूखा रहेगा। दूध डालने के बाद इसे आप हाई फ्लेम में ही 5 मिनट्स तक पकाएं। जब ग्रेवी हल्का थिक लगने लगे गैस ऑफ कर दें। अब हम तड़के की तैयारी करते हैं। तड़के के लिए मैंने घी लिया है, उसमें डालेंगे जीरा, करी पत्ता और साबुत लाल मिर्च। तड़का लगाएं और आपकी स्पेशल आलू की सब्जी बिल्कुल बनके तैयार है। इस आलू की सब्जी को आप पुलाव के साथ, रोटी के साथ, नान के साथ, किसी भी चीज के साथ इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत डिलीशियस है और बहुत टेस्टी। If you like my recipes, give thumbs up to my videos, and if you are watching my channel for the first time, don't forget to subscribe to my channel to stay updated with my coming recipes. Thank you for watching.